तो गैस आज बोले वालों कंट्रोल सेटिंग के बारे में फुल डिटेल्स एकदम एक्स रिकॉर्डर का। तो पहले के वीडियो में आप लोगों को बताया था वीडियो सेटिंग के बारे में, तो उसमें सब डिटेल्स में आप लोगों को बता दिया था। तो अभी तक जो बंदे नहीं देखो वीडियो सेटिंग के बारे में, जैसे चैनल पे जाके देख लो। और आज बोले वालों कंट्रोल सेटिंग, तो वीडियो को देखते रहो और थोड़ा सा भी स्क्रिप मत करना, स्क्रिप करोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है यहाँ पर से रिकॉर्डिंग मोड। रिकॉर्डिंग मोड में क्या मिल जाता है आप लोगों को, तो रिकॉर्डिंग मोड में यहाँ पर से नॉर्मल मोड और यहाँ पर से परफॉर्मेंस मोड मिल जाता है। परफॉर्मेंस मोड में पहले बता देता हूँ क्या चीज़ है। परफॉर्मेंस मोड में तो बोले तो ज़्यादा कुछ फीचर नहीं है भाई, कुछ फीचर को घटा के इसको परफॉर्मेंस मोड बना दिया, तो बहुत अच्छा बोले तो एकदम बेकार है। तो उसको नॉर्मल ही रखना आप लोग। नॉर्मल में बहुत भाई बहुत कुछ फीचर मिल जाता है। तो उसके बाद ही आ जाता है काउंटडाउनिंग बिफोर स्टार्ट। तो वहाँ पर से क्या चीज़ है भाई, 3 सेकंड 5 सेकंड यहाँ पर क्या चीज़ है? तो ये चीज़ है क्या, आप जब स्टार्ट करोगे तो कितने सेकंड के बाद स्टार्ट होगा, ये यहाँ पर मैटर करता है। तो मैं 3 सेकंड ही रखना चाहता हूँ, आप आपके हिसाब से रख लेना। और उसके बाद आ जाता है पॉप अप विंडो आफ्टर ट्रैकिंग स्क्रीनशॉट। तो बोले तो ये वाला चीज़ आपको ऑफ करके रखना ही चाहिए, ऑन मत करना, यहाँ पर से टिक मार्क मत लगाना भाई, नहीं तो आप पता नहीं चलेगा, आप जब स्क्रीनशॉट लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसको ऑन करके रखे थे और उसको ऑफ करके रखोगे तो आपको पता चलेगा स्क्रीनशॉट हुआ या नहीं हुआ। और उसके बाद भी सेम चीज़ है भाई, आपका वीडियो हाइड कर देगा, तो आप जब वीडियो रिकॉर्ड करोगे उसको हाइड कर देगा, तो वो वाला भी मत करना। और उसके बाद भी सेम चीज़ है भाई, उसको भी आप लोग मत करना भाई, सेम भाई बोले तो आप वीडियो जो रिकॉर्ड करोगे उसको हाइड करके रख देगा, तो एकदम फालतू चीज़ है। उसके बाद आ जाए सेक फोन टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो आप लोगों को तो ये भाई बोलने के बाद ही समझ में आ चुका है तो ये क्या चीज़ है। तो ये वाला सेटिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप लोग ऑन करके रखना, क्योंकि भाई यहाँ पर से जब आप फ़ोन को सेक करके बोले तो हिलाओगे तो ऑटोमेटिक आपका रिकॉर्डिंग भाई ऑफ हो जाएगा, सॉरी ऑन नहीं होगा, ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पर से ऑफ हो जाएगा, बहुत अच्छा वाला सेटिंग है। और उसके बाद आ जाता है कीप रिकॉर्डिंग व्हेन स्क्रीन इज ऑफ। बोले तो ये वाला सेटिंग भी मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भाई आप जब भाई स्क्रीन रिकॉर्ड करोगे भाई बहुत बहुत टाइम होता है भाई आपका स्क्रीन ऑफ हो जाता है, तो आपका भाई रिकॉर्डिंग भी एंड हो जाता है भाई। तो इसलिए भाई आपको डबल भाई स्क्रीन रिकॉर्ड करना पड़ता था, तो अभी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि भाई आपका स्क्रीन ऑफ भी हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता रहेगा, ऑफ नहीं होगा। तो इसको ऑन करके रखोगे तो ये वाला मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भाई मेरे भाई मैं जब करता हूँ बहुत दिक्कत होता था। तो और कुछ नहीं यार, चलो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल पे एक सब्सक्राइब कर देना। और गाइस बोले तो भाई आप लोगों को दूसरे वीडियो में टूल्स और रिकॉर्डिंग के बारे में फुल डिटेल्स बता दूंगा। तो चलो गाइस